बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, सेहत के साथ आबाद रहें। मैं आज बनाने लगी हूँ ये पसली वाली तोरी। इसे हम तो पसली वाली तोरी क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये नहीं मुझे पता। देखें, ये इसके ऊपर ना ऐसे लकीरें सी होती हैं, मैंने इसे छिला नहीं है, सिर्फ वो लकीरें इसकी मैंने ख़त्म की हैं। ये देखें, तो ये मैंने प्याज तीन चार लेके उनका पेस्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला हुआ है इसमें पैन में, और ये मक्खन वाला था तो मैंने ऐसे ही रख दिया अंदर। यहाँ मैंने चूल्हा, हर दफा की तरह मैं फिर बताऊंगी कि ये मैंने ऊपर तवा कटा हुआ रख लिया है, जलाया हुआ चूल्हा, और यहाँ मैं पैन अब रख दूंगी। ये देखिए, अब ये तेल गर्म होता है तो इसमें मैं डालूंगी ये पेस्ट। और उसके बाद ये है कि आज मैंने ये मिर्चें जो थी, खुशक धनिया, जीरा, दालचीनी, मिर्चें, रेड हल्दी, सारा कुछ कट्ठे ही बना के रखा है। इससे हांडी बहुत टेस्टी बनती है। और ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है टमाटरों का, और ये मैंने तोरियां काट के रखी हुई हैं, आधा किलो मैंने तोरियां ली हैं। ये चार सब्ज मिर्चें रखी हुई हैं जो मैं ऐसे डाल दूंगी। मैं खाती हूँ, मेरे घर में मिर्चें वो नहीं खाता, वैसे तो काट के डालनी थी और मैं काट के नहीं डालती, साबुत डाल दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ऑयल गर्म हो जाता है तो पेस्ट अंदर डालूंगी। मिलते हैं फिर इसके रेड होने पे। प्याज तो मैंने कर लिए हैं, बस इतने, ये देखे कट्ठे होने लग जाए ना जा, तो ये भून गए हैं, क्योंकि रेड करेंगे तो इनसे जायका आने लग जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है, टमाटरों को पीस लिया था, ये डालूंगी। और इसके साथ ही मैं नमक मिर्च जो मैंने बना के रखी हुई है वो डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने उतना ही बनाया हुआ पेस्ट जितना मुझे चाहिए था। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत लजीज, आप अपने घरों में बनाना जरूर ये। अब ये मैं मसाला भून लूंगी, भून के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, एग्जॉस्ट चलाना है मैंने। ये देखें जी, एक चम्मच मैंने होममेड, मैंने खुद बना के ये रखा हुआ है चाट मसाला है, वो मैं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी खटास पैदा होगी, ठीक है। जैसे ही भून जाता है मसाला तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी ये अपनी तोरियां, पसली वाली तोरियां। देहात में तो ये हांडी में पकती हैं, मट्टी की हांडी में, जिसे कटवी हम कहते हैं, तो बहुत मज़े की बनती हैं। इधर भी बनती तो मज़े की हैं, लेकिन देहात वाला टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो आग होती है लकड़ियों की। किस दिन मौसम अच्छा हुआ तो आग पे भी आपको बना के कुछ दिखाऊंगी। अब इन्हें थोड़ी देर में कुक करूंगी, उसके बाद मैं इन्हें दम दे दूंगी। इनमें आप शोरा भी बना सकते हैं, इसकी मज़े की बात ये है कि शोरे वाली भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, और बगैर शोरे के भी अगर बनाना चाहें तो अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा इसमें बनाऊंगी आज शोरबा, ये आप कुक हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इनमें लगाऊंगी पानी। ये देखिए, एक कप पानी मैं लगाने लगी हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। मैं बहुत स्लो चूल्हा करके इन्हें दम पे रख दूंगी, ये तोरियाँ भी गल जाएंगी और इसका मैं हल्का सा शोरबा भी बनाऊंगी, जैसे ग्रेवी होती है ना इस तरह बनाऊंगी। बस ये अब तैयार होती है तो मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखें जी, सालन मेरा हो चुका है तैयार, चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ। इतनी सी इसमें ग्रेवी मैंने रखी है, तो अब इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस चम्मच से तो नहीं होगा, देखे तोरियों की शक्ल भी नहीं खराब हुई, बिल्कुल साबुत है, और ग्रेवी भी बन गई है अंदर। ये मैं यहां रख दूंगी। इसमें ये चम्मच देखा करें, ना चलाया करें, क्योंकि इससे ये नॉन स्टिक खराब हो जाते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं,
आप भी अपने घरों में बनाए इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी बनता है। और मुझे दें इजाजत, अपने घर वालों का, बुजुर्गों का, बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।